2 बजे के बाद हमारे घर में वो लोग दीवारें पलांग कर एंटर हुए और उसके बाद उन्होंने पूरे घर को जो है वो घेरा। उन्होंने शाकिर को पकड़ा तो उन्होंने उन पर तशद्दुद भी किया, उनको जोर से पकड़ा, झंझोड़ा। दो चार बंदों ने जो है उन्हें पकड़ कर रखा और उन पे पिस्टल जो है वो तान कर रखी कि आपने बिल्कुल हिलना नहीं है, और उन्हें पकड़ कर वो ले गए। मुझे एक रूम में लॉक करना चाह रहे थे। घर का माहौल इस वक्त इतना कशीदा है कि बच्चे डरे हुए हैं और बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि अभी पुलिस आ जाएगी, पुलिस ने हमें पकड़ लेना है। वो इशारे करके बताता है कि बाबा बाबा, तो उन्होंने गन्स के साथ अंदर एंटर हुए। वो सोया हुआ था, अचानक उठ गया शोर की वजह से, जिसकी वजह से वो डर गया है और उसका टेम्परेचर भी नहीं उतर रहा। FII वाले कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। हम परेशान हैं कि हमें इतना बता दिया जाए कि वो कहाँ है, उनको पेश करें, कम अज कम उनको मंजरे आम पे लाया जाए। ये कानून का कौन सा तरीका है जिसमें उनको जो है वो इस तरह से रात को बगैर इन्फॉर्म किए, बगैर वारंट गिरफ्तारी के ले जाया गया, और अभी तक जो है उनकी फैमिली को हम तक कोई खबर नहीं पहुंचाई गई कि वो कहाँ और किस हाल में है। वेलकम सियासत डॉट बीके से, मैं हूं वकार बकार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सहाफी, पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटिव सहाफी शाकिर अवान की अहलिया अमरीन इरम। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल रात को आपके शोहर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया, क्या क्या मामला क्या हुआ, कौन लोग थे? जी, रात 2 बजे के करीब, 2 बजे के बाद हमारे घर में वो लोग दीवारें पलांग कर एंटर हुए और उसके बाद उन्होंने पूरे घर को जो है वो घेरा। ऊपर वाले पोर्शन में गए, ग्राउंड फ्लोर पे गए, उन्होंने बच्चों को जो है वो जदोकोब किया। उसके बाद जो है वो लास्ट पे हमारे पोर्शन में आए और उन्होंने आकर जो है, मैंने उनसे इंक्वायर किया कि आपके पास कोई वारंट है तो वो दिखाएं, जिस पर उन्होंने आगे से बदतमीजी की कि हम दिखाते हैं, आप सब्र करें आप। उसके बाद मैंने कहा कि आप किस केस में इनको लेने के लिए आए हैं वो बताएं, क्योंकि इनकी पहले जो FIR इनके ऊपर थी उसके ऊपर ये जमानत पर थे। उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप अपने कार्ड दिखाएं, आप किस महकमे से हैं, लेकिन वो कोई भी किसी भी बात का जवाब देने से कासिर थे। फिर उन्होंने शाकिर को पकड़ा और उन्हें जो है तशद्दुद भी किया थोड़ा बहुत, और उन्हें पकड़ कर वो ले गए। और बच्चे जो थे, इस तरह से मेरे बच्चे उठ गए, छोटा बेटा था मेरा, वो उठ गया, वो डर गया। अभी तक उसको जो है वो बहुत तेज टेम्परेचर है, क्योंकि वो अपने बाबा से बहुत अटैच था और वो गन्स के साथ जो है वो एंटर हुए। उन्होंने लाइट्स ऑन करवाई, बच्चे डर गए और बच्चे अभी तक डरे हुए हैं। उनके दिलों में जो है वो यही बात छाई हुई है कि पुलिस थी, वो कौन लोग थे, मामा प्लीज बताएं वो क्या करने आए थे। वो कौन लोग थे जिनके पास बंदूकें थी, वर्दियों में थे वो? कुछ लोग वर्दियों में थे और कुछ जो थे वो प्राइवेट जो है वो कपड़ों में थे, और जो है उनके पास असलाह था, सब मुसल्ला थे। और उन्होंने मेरा मोबाइल भी ले लिया, पहले मेरी वालदा का मोबाइल भी लिया, मेरी वालदा मेरे पास आई हुई थी, लेकिन फिर बाद में जाते हुए वो वालदा का मोबाइल वापस कर गए, लेकिन मेरा मोबाइल ले गए, हस्बैंड के मोबाइल ले गए, और जाते जाते जो है वो हमारा कैमरा जो है उसको भी वो उतार कर ले गए, ताकि इनके पास कोई सबूत ना रहे, कोई फुटेज ना हो, और ये आगे जो है वो कोई कार्रवाई ना कर सके। ठीक है। शाकिर अवान साहब की वालदा का हम इंटरव्यू सुन रहे थे, वो कह रही थी कि ऊपर हमें मारने की आवाजें आई, शायद किसी पर तशद्दुद किया जा रहा था। तो वो सिर्फ शाकिर अवान साहब पे तशद्दुद किया जा रहा था या बाकी भी घर वालों के साथ उन्होंने बदतमीजी की? नहीं, जब वो ऊपर जो सेकंड फ्लोर है उस पे सबसे पहले वो गए, वहां पर जो मेरी जो भाभी रहती हैं उसको, वो बच्चे डर गए क्योंकि बच्चे सोए हुए थे, आवाज उन्होंने शोर किया तो बच्चे उठ गए, और शाकिर साहब के वालिद थे वो समझे कि कोई चोर डाकू है, उन्होंने शोर किया तो उन्होंने उन पर तशद्दुद भी किया, उनको जोर से पकड़ा, झंझोड़ा। दो चार बंदों ने जो है उन्हें पकड़ कर रखा और उनपे पिस्टल जो है वो तान कर रखी कि आपने बिल्कुल हिलना नहीं है। और बच्चे जो है, छोटी बच्ची जो है वो स्कूल जाती है 9-10 साल की, उससे भी इंक्वायर किया कि आपके जो है वो शाकिर क्या लगते हैं और किधर हैं वो हमें बताएं। उसके अलावा जो भाभी हैं उनसे पूछा कि ये किसके बच्चे हैं और शाकिर किधर है, किधर होता है, उसके बारे में सवालात किए गए, जिस पर वो बच्चे बहुत डरे हुए हैं। दूसरे दिन बच्चे सुबह स्कूल नहीं जा रहे थे कि कहीं पुलिस आ जाएगी और वो हमें पकड़ेगी। ठीक है। और इन लोगों ने किसकी वर्दियां पहनी हुई थी, पंजाब पुलिस की? ग्रीन कलर के यूनिफॉर्म में थे कुछ लोग, और कुछ लोग जो है वो प्राइवेट थे। इसके अलावा कितने लोग थे, कुछ सब फैले हुए थे, कुछ बाहर गली में थे, कुछ ऊपर वाले पोर्शन में, मैं सिर्फ अपने ही पोर्शन में थी, तो इसलिए मैं सब लोगों की काउंटिंग जो है उसका नहीं बता सकती कि कितने लोग थे, लेकिन 18 से 20 के करीब लोग थे। और आपका मोबाइल और फोन? उन्होंने शाकिर से कहा कि आप अपने मोबाइल से उठाएं।
उनको स्पेशल उन्होंने कहा कि इनका मोबाइल पकड़े, इनका वॉलेट पकड़े और फिर इनको साथ लेके जाए। तो आपको मोबाइल ले जाने की क्या लॉजिक थी? आपके फोन में कोई इंफॉर्मेशन थी, कोई डेटा था, क्या वजह थी? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरे फोन में, बस वो मेरा मोबाइल भी ले गए जाते जाते। बदतमीजी कर रहे थे मेरे से, इसी वजह से कि मैं उनसे क्वेश्चंस कर रही थी कि आप जो है वो वारंट दिखाएं, आप इनकी जमानत जो है वो हो चुकी है, आप किस केस में इनको लेके जाना चाहते हैं बात बताएं, लेकिन वो कुछ भी बताना नहीं चाह रहे थे। और बदतमीजी क्या कर रहे थे? बदतमीजी यही कर रहे थे कि हम आपको क्या जवाब दे नहीं है। मैंने कहा आप वारंट दिखाएं, मेरे लाख कहने के बावजूद उन्होंने वारंट नहीं दिखाया। और शाकिर को भी जो है जब उन्होंने पकड़ा है तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उस पर तशद्दुद करके उन्हें घसीट के पकड़ के लेके गए हैं। ठीक है, और बताइएगा कि जब और ये उसके ले अलावा जो उनके आने का तरीका था, उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। हमारे जो है वो चार तीन पोर्शंस हैं, तीनों पोर्शंस में जो है वो आए और वो बगैर इन्फॉर्मेशन के, यानी वो दीवारें फलांग कर आए हैं, अचानक आए हैं इस तरह से कि किसी को कुछ पता ना हो, अचानक ऊपर से उन्होंने धावा बोला है। और लेकर जब चले गए तो आप लोगों ने पीछा किया या आपको पता चला कि वो कहां पर लेकर गए? क्योंकि अदालत में उन्हें पेश नहीं किया क्या? आप कह रही हैं वर्दियों में लोग थे जो लेकर गए। जी कुछ यूनिफॉर्म्स में थे, लेकिन उन्होंने हमें आगे जाने ही नहीं दिया। वो मुझे एक रूम में लॉक करना चाह रहे थे रूम, लेकिन वो ये था कि हमारे रूम का लॉक खराब था जिस वजह से लॉक नहीं हुआ। वो मुझे कहते थे कि आप अंदर चले, आपने बाहर नहीं आना। फिर भी मैं वापसी जो है वापस उन तक स्टेयर्स तक आई। आगे से नीचे जो इनके भाई थे शाकिर के ग्राउंड फ्लोर पे, उन्हें भी उन्होंने जब वो रूम दरवाजे से निकले हैं तो उन्होंने कहा है कि बाहर कोई ना निकले, आप लोग वापस चले, कोई पीछे नहीं आएगा। और गली के लोगों को भी डराया धमकाया कि कोई अपना दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई खिड़की नहीं खोलेगा, कोई जो है वो सामने ना आए। ठीक है, मुझे बताइएगा, आप चूंकि उनकी अहलिया हैं, आप सबसे ज्यादा करीब थी। शाकिर वान साहब किसी खास स्टोरी पर काम कर रहे थे, कोई खास इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, कोई आजकल क्या चल रहा था उनकी जिंदगी में? वो अपनी नॉर्मल रूटीन की जो है वो रिपोर्टिंग ही करते हैं, जो वो अपनी वो वीडियोस बनाते हैं, यानी जो कुछ मुल्क में चल रहा है सच दिखाते हैं, बस वो यही काम कर रहे थे और कोई खास इशू नहीं था। कोई खास अब कोई ऐसी स्टोरी नहीं थी कि जिस पर जैसे सारे सहाफी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इसी तरह वो भी अपनी ड्यूटी दे रहे थे कि मुल्क में क्या चल रहा है, बस ये वो आवाम को दिखाना चाहते थे। और इस गिरफ्तारी से पहले आपने जिक्र किया कि उन पर एक एफआईआर थी जिसकी जमानत पर वो थे। कोई कॉल, कोई धमकी, किसी किस्म की कोई उन्हें समझाने के लिए, बताने के लिए कोई रब्ता किया गया हो कहीं से? नहीं, हमसे कोई रابطہ नहीं किया गया फिलहाल, क्योंकि अच्छा मेरा मोबाइल ही मेरे पास नहीं है तो वो रابطہ कैसे कर सकते हैं। अभी तक ठीक। हमसे कोई रابطہ नहीं किया गया। और इसके बाद अदालत में क्या मौकफ दिया अभी तक पंजाब पुलिस ने, क्योंकि उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया हैरतअंगेज तौर पर? जी, पंजाब पुलिस जो है उन्होंने कहा है कि हम उनको ढूंढते हैं कि वो कहाँ हैं। एफआईआई वाले कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। हम परेशान हैं कि हमें इतना बता दिया जाए कि वो कहाँ हैं, उनको पेश करें, कम से कम उनको मंजरे आम पे लाया जाए। ये कानून का कौन सा तरीका है जिसमें उनको जो है वो इस तरह से रात को बगैर इन्फॉर्म किए, बगैर वारंट गिरफ्तारी के ले जाया गया और अभी तक जो है उनकी फैमिली को, हम तक कोई खबर नहीं पहुंचाई गई कि वो कहाँ और किस हाल में है। ठीक है, मगर लेकर जाने वाले मिस अमरीन, वो तो आप कह रही हैं कि वर्दियों में थे, सबज वर्दियों में थे, सबज वर्दी तो पंजाब पुलिस की है, फिर पंजाब पुलिस कहाँ उन्हें ढूंढ रही है अगर वो वर्दियों वाले लेकर गए थे तो? ये तो अब आपको पुलिस वाले ही बता सकते हैं। और अदालत में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस चीज का? जी, अदालत में कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, शाकिर वान साहब की वालदा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके दस्तखत करवाए गए हैं किसी कागज पर, उनसे कुछ साइन करवाए गए, वो क्या मामला था? जी, कुछ लोग आए हैं और वो उनके पास घर में कोई और नहीं था, सब जो भाई हैं इनके वो सारे उधर हाई कोर्ट में गए हुए थे। वो आए हैं, वो आकर बैठे हैं और उन्होंने इनसे कोई बातचीत की है, इनको शायद उन्होंने शीशे में उतारने की कोशिश की है और कुछ बातें करके वो इनसे दस्तखत लेकर जो है वो पेज पर कुछ लिखकर, न जाने उन्होंने इनको क्या बताया है, क्योंकि उस टाइम मैं भी उनके पास नहीं थी, तो वो पेज पर कुछ लिखवा कर इनके साइन लेकर चले गए। हमने जो गुफ्तगू उनकी सुनी, बड़ी समझदार खातून हमें लगी कि जिस तरह से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अगर वो एक फोन कॉल कर देते तो हम खुद शाकिर को कानून नाफिज करने वाले अदारों के पास छोड़ आते, भेज देते, ताकि कानून जी के जो बिल्कुल, तकाजे हैं वो पूरे करें, आप इन्वेस्टिगेशन करें, उन्हें अबडक्ट ना करें। मगर ये जो दस्तखत जी करवाए गए हैं अभी तक, क्योंकि आप उसी घर में हैं, आपको पता चला होगा कि क्या गुफ्तगू की उन्होंने, क्या कहा, क्यों दस्तखत करवाए, कुछ तो इसके पीछे होगी कहानी। नहीं, ये मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है।
अच्छा, बहरहाल वो लोग आज फिर दोबारा आपके घर आए। जी, वो आए थे ना, मैं उठी हूँ ना, मैंने उनको देखा है, तो इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है, और अभी तक अदालत में उन्हें पेश नहीं किया गया किसी किस्म की कोई लीगल जो कार्रवाई है उन्हें पेश करने के हवाले से, वो जानदार चीज सामने नहीं आई। जी, बिल्कुल कोई चीज सामने नहीं आई। कोई उन्होंने सेफ सिटी वालों को बुलाया था, वो लोग भी पेश नहीं हुए कि वो फुटेज लेकर आए, लेकिन वो कोई फुटेज नहीं लाए, ना ही कोई पेश हुआ सेफ सिटी से। ठीक है, और आपको अभी तक कुछ समझ आई कि वजह क्या थी शाकरवान साहब को उठाने की? देखिए, ये तो हमारी समझ से अभी तक बालातर है कि क्या वजह हो सकती है। यही हो सकता है कि वो सच बोलते हैं, क्योंकि इस मुल्क में सच बोलना जो है वो एक जुर्म बन चुका है। और घर का माहौल क्या है इस वक्त, पहले क्या था और अब क्या? हमारे घर का माहौल इस वक्त इतना कशीदा है कि बच्चे डरे हुए हैं, और बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि अभी पुलिस आ जाएगी, पुलिस ने हमें पकड़ लेना है, हम बाहर नहीं जाएंगे। हम जो है, वो छोटा बेटा मेरा बीमार है, इसी वजह से वो अपने बाबा से बहुत अटैच था। वो इशारे करके मुझे बताता है, बोलता नहीं है, लेकिन वो इशारे करके बताता है कि बाबा बाबा, यानी वो मुसल्ला थे तो उन्होंने गन्स के साथ अंदर एंटर हुए, वो सोया हुआ था, अचानक उठ गया शोर की वजह से, जिसकी वजह से वो डर गया है और उसका टेम्परेचर भी नहीं उतर रहा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुजश्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कानून मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है, और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।